I flip her over, hit it from the back, cause she likes that. I'm writing lyrics like her poetry, she writes back the things she's never done before, she's down to try that. She got a price tag, only I could buy that. She always a day one, she got the tats done. We gon' build this all together till the world's gone. Bank account overdrawn, not a gold digger, nah. She here for all my flaws, we gon' make it to the top. She live in my section. हेलो और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज भाई आ गए हम लोग आरएस मोटर्स पर। और ये भाई सबसे लेटेस्ट भाई अभी नया कलर आया है आर ओन 5 वर्जन 4 का। तो भाई मैं आ गया हूँ सबसे पहले भाई आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो भाई ये नया कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा भाई चेरिश रेड है, मतलब मैरून और रेड का थोड़ा सा मिक्सचर लग रहा है। पुरानी वाली जो V3 मतलब वर्जन 4 आती थी रेड वाली, उसका भाई इस टाइप का नहीं था। मतलब अगर क्लोज से भाई मैं आप लोगों को दिखाऊं, थोड़ा सा भाई स्पार्कलिंग है, देख सकते हैं आप लोग हल्का सा। मतलब पता नहीं चल रहा, जैसे भाई एक पेन आते थे पहले जिसमें भाई वो स्पार्क रहता था, स्पार्क पेन जिसको बोलते थे रेड कलर का, उस टाइप का कलर है। इतना भाई कैमरा नहीं दिखा पा रहा होगा, लेकिन ये कलर भाई एकदम वैसे ही, अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग दिख रहा होगा स्पार्कल स्पार्कल, तो इस टाइप का भाई है कुछ। और काफ़ी भाई बेहतरीन कलर लग रहा है मुझे। अगर भाई आर ओन 5 वर्जन 4 की भाई आपकी बैजिंग मिल जाती है, देख सकते हैं आप लोग। ये भी थोड़ा सा गोल्डन कर दिया है, पहले एकदम येलो में आता था, देख सकते हैं आप लोग। तो काफ़ी भाई अच्छा अपीलिंग लुक बना रहा है। उसके बाद भाई बात कर लें तो इसमें भाई आपको हेलोजनी इंडिकेटर मिलते हैं, बिकॉज इट इज़ वर्जन 4 नॉट M, सो ये सब चीज़ें हैं। और आपको अलॉय भाई इसमें ब्लैक कलर के मिलते हैं, देख सकते हैं आप लोग कुछ इस टाइप के। और सीट भाई आपकी वैसी ही नॉर्मल वर्जन 4 जैसी आती है वैसी ही मिलती हैं। और भाई कलर इसका भाई काफ़ी यूनिक लग रहा है, मतलब इस कलर की भाई लोग भाई कस्टम पेंट वगैरह कराते हैं तब जाके कुछ इस टाइप का लुक आता है, लेकिन इसमें भाई पहले ही से दे दिया है। तो फर्स्ट टाइम मतलब मैं बोलूँगा भाई किसी कंपनी ने भाई इतना बोल्ड डिसीजन लिया है इस टाइप का कलर लाने का। VVA की बैजिंग आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा यहाँ ऑरेंज है और फिर यहाँ पर रेड है, तो थोड़ा बहुत भाई कलर के साथ हेयर फेयर किया गया। बाकी भाई वर्जन 4 है अपनी रेड वाली जैसे आती थी, प्राइस भी भाई लगभग सेम ही है इसका जैसे पहले वाली आती थी, तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, वो भी मैं आपको वीडियो की लास्ट में बता दूंगा। सो इस टाइप का भाई लुक है पूरा बाइक का, देख सकते हैं आप लोग। और आ जाते हैं आप ज़रा इसके स्पीडोमीटर कंसोल की तरफ। सो की आपको भाई इसी टाइप की बेसिक मिल जाती है, ऐसी भाई हर आर ओन 5 में मिलती है। और स्टार्ट करते हैं इसका मीटर, देख सकते हैं आप लोग। सो इस टाइप का भाई मीटर कंसोल आपको पूरा मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ट्रैक्शन कंट्रोल भाई इसमें मिल जाता है आपको, यहाँ पर भाई न्यूट्रल दिखा रहा है, यहाँ पर भी भाई न्यूट्रल दिखा रहा है। उसके बाद भाई इधर कुछ बटन मिल जाते हैं आपको टॉगल करने के लिए, देख सकते हैं आप लोग, इन्फो और ट्रिप के। सो इन्फो जब आप दबाएँगे तो भाई नीचे चेंज होंगी सेटिंग, देख सकते हैं। यहाँ पर बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है, उसके बाद भाई कूलेंट टेम्परेचर, ट्रैक, इसमें दो मोड मिल जाते हैं, ट्रैक मोड, स्पोर्ट मोड, स्ट्रीट मोड सॉरी। ये देखिए लैप में लग गया है डायरेक्ट भाई, 6000 RPM से उठेगी ये। सो इस टाइप का रहता है भाई, दबा के आप फिर से इसको नॉर्मल ला सकते हैं स्ट्रीट मोड पर, देख सकते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है। और ये सब भाई एवरेज वगैरह गाड़ी दिखाती है आपकी, तो वो सब चीज़ें। बाकी भाई इधर जो दूसरा वाला बटन है, देख सकते हैं आप लोग, ट्रिप वाला, इससे भाई ट्रिप अपना चेंज होता है, ट्रिप 2, ट्रिप F और ओडोमीटर। परीक्षा ही नहीं है अभी, ब्रांड न्यू बाइक है इसलिए 0 दिखा रहा है। बाकी भाई यहाँ पर आपको हज़ार्ड स्विच मिल जाता है, देख सकते हैं आप लोग, हज़ार्ड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कुछ इस टाइप का भाई लुक बना रहे हैं हज़ार्ड के साथ। तो काफ़ी भाई ज़बरदस्त लग रहा है। उसके बाद भाई यहाँ पर पास का स्विच मिल जाता है आपको इसी में, और आपका यहीं पे स्टार्ट स्टॉप और पीच वाला बटन है, दोनों तीनों चीज़ें इसी में मिल जाती हैं आपको। उसके बाद भाई ये थोड़े सिल्वर टाइप के मिलते हैं, ब्लू वाले भाई आते हैं वो फेंड हो जाते हैं, उसके बाद ऐसे ही कलर हो जाता है उनका भी, तो भाई उसका कोई मतलब है नहीं। और ये भाई बढ़िया लग रहा है, ये भाई ब्लैक है आप लोग देख सकते हैं और रेड है, तो मतलब भाई काफ़ी अलग कॉम्बिनेशन बना रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब अगर आप लोग ऐसे देखेंगे तो ये देख सकते हैं आप लोग,
इस टाइप का भाई, क्या भाई टैंक वैसे मिलता है आपको, यहाँ पर यमहा का लोगो मिल जाता है प्रॉपर, कोई स्टिकर नहीं मिलता है भाई। उसके बाद भाई यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, देख सकते हैं आप लोग जैसे। सो ये सब चीज़ें हैं भाई। बाकी इसमें भाई आपको शिफ्टर नहीं मिलता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि वर्जन 4 है भाई। ब्लू वाली में मिलता है या तो आपकी एम में मिलता है, लेकिन इसको लगवा सकते हैं भाई। इसमें कुछ शिफ्टर कुछ 7-8 हज़ार का आता है अप्रॉक्स। उसके बाद भाई पीछे आप देख सकते हैं वाइब्री के डिस्क हेलीपर मिल जाते हैं आपको। सो ये आगे भाई आपको भी वाइब्री के मिल जाते हैं डिस्क, तो डुअल डिस्क पे डुअल एबीएस है। सो इस टाइप का भाई कुछ है सर। भाई एग्जॉस्ट आपको इस टाइप का मिल जाता है, ऊपर भाई आपको इस टाइप का ऊपर मडगार्ड मतलब इसका मिलता है कवर जो होता है। सो इंजन की तरफ आ जाते हैं भाई, तो इधर भाई अपना वही सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 155 cc BS6 वर्जन 2 कंप्लाइंट इंजन मिल जाता है आपको, क्योंकि अपना भाई VVA टेक्नोलॉजी पर चलता है। तो जब गाड़ी स्टार्ट होती है 7000 RPM के पार जाती है, तब भाई आपका VVA एक्टिवेट होता है। और भाई ये गाड़ी 4 वॉल्व के साथ आती है, तो ऐसे नॉर्मल जब आप चलेंगे तो 2 वॉल्व पीती है, लेकिन जब VVA एक्टिवेट होता है तो भाई 4 वॉल्व से जो है तेल पीती है, और फिर भाई अपना कमाल दिखाती है, रॉकेट की तरह भाई उड़ती है। और उसके बाद भाई आपको यहाँ पर DRL मिल जाते हैं, और ये भाई अपना LED बल्ब मिल जाता है इसमें, तो उसकी भी भाई ठीक ठाक है लाइट, बहुत कम नहीं है बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये सब था भाई इस बाइक के बारे में। और कुछ जानना हो तो भाई मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को बता दूँगा। और भाई इसका कलर यार काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही यूनिक है। कई लोग भाई कस्टम पेंट करवाते हैं इस टाइप का, तब जाके भाई ये चीज़ आ पाती है, वरना भाई कंपनी में तो भाई बहुत मुश्किल है। देख सकते हैं आप लोग इतने डिटेल में मैं दिखा रहा हूँ इसीलिए ताकि आप लोग को भाई समझ आए। पुरानी वाली यहाँ खड़ी नहीं है, वरना उससे भी मैं आप लोगों को कंपेरिजन दिखा देता कि ये भाई कलर बहुत अलग है, मतलब अभी आप लोगों को लग नहीं रहा होगा लेकिन भाई है। तो वही चीज़ है, तो कमेंट करके बताइएगा भाई आप लोगों को ये कलर कैसा लगा, और अगर लेना चाहेंगे तो भाई बताइएगा कि आप ये कलर लेना चाहेंगे या कोई और कलर लेना चाहेंगे। बाकी भाई मैंने कहा था आखिरी में मैं आप लोगों को इसकी प्राइसिंग बताऊंगा, तो ये बाइक अपनी जो है 216,500 की आ रही है, मतलब पहले भाई 216,000 की थी, अब 500 रुपये और बढ़ गए हैं रेड कलर के, बस इतना ही फ़र्क आया, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। सो अगर आपको पसंद है तो भाई आप जा सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय, टाटा, सी या, गुड बाय।